इस वीडियो सीरीज के दूसरे यानी कि पिछले एपिसोड में ये बताते हुए कि ये नया दौर कोविड-19 के बाद का ये दौर हमारे बिजनेसेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने का दौर है, जयवर्धन सर ने बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यानी कि हमारे क्लाइंट्स बिल्कुल तैयार हैं बदली हुई परिस्थितियों में अपने बच्चों को ज़माने से आगे ले जाने के लिए, और वो अगले 2-2.5 साल तक अपने बच्चों को घरों में बैठाकर उनके समय को बर्बाद करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। एक बात बिल्कुल तय है कि अब आने वाला समय जो है वो एक न्यू नॉर्मल का समय है। नाउ व्हाट आई मीन टू से, ये न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि पुराना नॉर्मल अब वापस नहीं आएगा, एक नया नॉर्मल अब आने वाले समय में हमारे सामने तैयार हो जाएगा। ये नए नॉर्मल की क्या परिभाषा होगी, किस तरीके से दिखेगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन सभी लोग कर रहे हैं कि हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ नए कायदे और सोशल गैदरिंग के कुछ नए कायदे जो हैं सेट किए जाएंगे, और ये जो नए कायदे हैं कुछ लंबे समय के लिए रहने वाले हैं, और ये लंबा समय कितना होगा इसके बारे में प्रिडिक्शन करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी अगर उसको किसी चरणबद्ध तरीके से या किसी सीक्वेंशियल टाइमलाइन में बांधना हो तो उसका जवाब है कि दवा आएगी, दवा लोगों तक पहुंचेगी, किस तरह की दवा होगी, लगाने के बाद कभी कोई वायरस दोबारा से हमें टच नहीं करेगा, या हर साल लगानी पड़ेगी, या जीवन रक्षक दवा आएगी, लाइफ सेविंग ड्रग आएगी, किस तरह की दवा आएगी, कब तक हम तक पहुंचेगी, क्या कब कैसे होगा, ये सब बहुत अनिश्चित है इस समय। परंतु जब तक ये सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये न्यू नॉर्मल कितने समय तक हमारे बीच में रहने वाला है। और इसी कन्फ्यूजन में बहुत सारे बिजनेसेस और हम भी एक बड़ी मेजर मिस्टेक करते चले जा रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल तय है कि न्यू नॉर्मल लंबे समय के लिए रहने वाला है। ये समय एक साल भी हो सकता है आज से, 1.5 साल भी हो सकता है, और 2.5 साल भी हो सकता है। और इस न्यू नॉर्मल से निकलने के बाद, जो कि ज़रूर निकलेंगे हम सब, निकलने के बाद एक नए तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और वो वर्ल्ड ऑर्डर बहुत चीज़ों को बदल चुका होगा। उसमें न्यू नॉर्मल के बाद का जो समय होगा वो अपने आप में एक फ्रेश नॉर्मल होगा, और उस फ्रेश नॉर्मल में कोविड-19 से जो पहले का जो समय है और कोविड-19 के जो बाद का जो समय है उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी, ये तय है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस समझ में आती हैं। एक कि हम कोविड-19 से पहले जो कर रहे थे उसको छोड़ दें और अपना रास्ता नया बनाएं। दूसरा कि हम कोविड-19 के परिस्थिति के बीच में इसमें से निकलें बाहर, और फिर जब एक फ्रेश नॉर्मल तक हम पहुंचेंगे और उसमें फिर हम अपने काम को दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति पर डालकर जो भी फाइनेंशियल या अदरवाइज जो हमारा नुकसान हुआ है उसको रिकवर कर सकें। किसी बहुत समझदार व्यक्ति ने मुझे एक बात समझाई थी कि जब भी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए कि आपको इस तरह का कोई डिसीजन लेना पड़े तो हमेशा उसी काम को करें जिस काम को कर करके आपने अपने आप को गढ़ा है। यू हैव क्राफ्टेड योर सेल्फ।
क्योंकि बुरे वक्त में या डिस्टर्ब टाइम्स में अगर आप किसी नई चीज़ में हाथ पैर डालेंगे तो पहले ही आप एक डगमगाते प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उसके ऊपर आप एक ऐसे सेक्शन में चले जाएंगे जहां पर जिस काम की आपको समझ नहीं है तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू लूज इज हायर देन द डोमेन यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ एंड यू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स एंड पैरामीटर्स इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो आपके लिए आने वाली चुनौतियां और जो चैलेंजेस हैं उनको आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं देन एंटरिंग इनटू समथिंग विच इज न्यू फॉर यू।